नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं ये एक चार्जिंग वाला टॉर्च लाइट मेरे पास में रिपेयर होने के लिए आया है। ये टॉर्च का लाइट बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। यहाँ पर देखिए, मैंने स्विच को ऑन कर लिया हूँ आगे की तरफ और इसका आगे का एलईडी बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। और अभी मैंने स्विच को पीछे की तरफ ऑन करता हूँ तो देखिए पीछे का लाइट भी बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। और यहाँ पर मैंने इस टॉर्च को चार्ज करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये चार्ज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये देखिए, अभी मैंने इसको सॉकेट में लगा लिया हूँ और स्विच को ऑन कर रहा हूँ। देखिए, इसका जो चार्जिंग का रेड कलर का एलईडी है ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब ये जो टॉर्च है ये हमारा चार्ज भी नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या ख़राबी है इसको खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। देखिए, इसका जो आगे का भाग होता है इसको हमें टेस्टर के दौरान इस प्रकार से खोल लेना है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से ये हमारा आगे का साइड खुल जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो स्विच का सेक्शन है, ये जो एरिया है, इसको हमें कुछ इस प्रकार से खोलना पड़ेगा। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा एक स्क्रू है और यहाँ पर इस होल में एक स्क्रू है। यहाँ पर दो स्क्रू है, ये दोनों स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर के दौरान खोलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये टॉर्च हमारा बिल्कुल अच्छे से खुल चुका है। और यहाँ पर हम सबसे पहले बैटरी में वोल्टेज को चेक करते हैं, हमारा बैटरी में कितना वोल्ट है। तो देखिए, ये हमारा मल्टीमीटर है, इसको मैंने क्या करता हूँ यहाँ पर 20 वोल्ट डीसी में लगा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज को सबसे पहले चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, हमारा बैटरी में 2.1012 ऐसा वोल्टेज है। तो ये हमारा 4 वोल्ट का बैटरी होता है और यहाँ पर 2.10 2.12 ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पर ये हमारा सर्किट बोर्ड है, इसको मैंने इस प्रकार से निकाल देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर है ये हमारा फुल के फट चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसका ऊपर का ये जो ढक्कन है ये निकल चुका है। इसका मतलब ये कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से ये जो हमारा बैटरी है ये सही से चार्ज नहीं हो रहा है और इसकी वजह से हमारा लाइट बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। और कैपेसिटर फटने की वजह से ये जो एलईडी है ये हमारा फ्यूज़ हो चुका है ज़्यादा वोल्ट जाने पर। तो चलिए, यहाँ पर हमें कैपेसिटर को नया लगाना पड़ेगा। ये कैपेसिटर का वैल्यू इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, 16 वोल्ट 220 माइक्रोफेरेड का है। तो इसी वैल्यू का एक कैपेसिटर लगाना है। अगर आपके पास 16 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर 10 वोल्ट का भी लगा सकते हो या फिर 25 वोल्ट का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 वोल्ट का लगाइएगा, उससे ज़्यादा लगाएंगे तो ये बैटरी ख़राब हो सकता है। देखिए, ये मैंने 16 वोल्ट 220 माइक्रोफेरेडे का कैपेसिटर ले रहा हूँ और इसको मैंने इसके जगह पर लगाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा पुराना कैपेसिटर है इसको हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा और इसको निकालने के लिए हमें सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे वायर वगैरह लगा हुआ है। तो ये वायर वगैरह मैंने जहाँ पर हटाऊँगा उसको याद रखूँगा और उसी जगह पर ये वायर को दोबारा सोल्डरिंग करूँगा। उसके बाद यहाँ पर ये कैपेसिटर को हटा के ये नया कैपेसिटर को लगाऊँगा। देखिए, ये पुराना जो कैपेसिटर था इसको मैंने निकाल लिया हूँ और यहाँ पर नया कैपेसिटर को लगाऊँगा। तो देखिए, ये जो हमारा कैपेसिटर होता है इसमें हमारा प्लस माइनस होता है। ये जो पट्टी वाला साइड दिखाई दे रहा है ये हमारा माइनस होता है, तो इस साइड का ये वाला जो लेग दिखाई दे रहा है ये माइनस वाला लेग है। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा पीसीबी बोर्ड में भी हमारा ऐसे लाइन दिखाई दे रहा है, तो ये जो लाइन वाला भाग है यहाँ पर हमें माइनस वाला लेग को लगाना पड़ेगा कैपेसिटर का। और प्लस वाला भाग में प्लस लिखा हुआ है छोटा सा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्लस नज़र आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर कैपेसिटर को अच्छे से डाल देता हूँ और पीछे की तरफ से मैंने इसको सोल्डरिंग भी कर लूँगा। देखिए दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पर नया कैपेसिटर को लगा लिया हूँ सही से, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ से मैंने इसको सोल्डरिंग भी कर लिया हूँ और ये आप लोग देख सकते हैं बैटरी का जो माइनस वाला वायर था इसको मैंने कैपेसिटर का माइनस वाला लेग से अलग किया था। तो यहाँ पर मैंने इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। पर ये एलईडी को हमें मल्टीमीटर से चेक करना है, ये एलईडी सही है या फिर ख़राब है। देखिए, एलईडी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी वाला सेक्शन पर लगा देना है, ये जो वाला सेक्शन आप लोग देख रहे हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को एलईडी की दोनों टांगे पर लगाना है। तो मैंने यहाँ पर लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर में शॉर्टिंग बता रहा है, यहाँ पर साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये एलईडी हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें ये एलईडी को हटाकर यहाँ पर इस प्रकार का नया एलईडी लगाना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पुराना एलईडी को निकाल लिया हूँ और इसके जगह पर ये नया एलईडी को लगाऊंगा, ये भी रेड कलर का है। देखिए, ये एलईडी में जो बड़ा वाला टांग नज़र आ रहा है ये हमारा प्लस होता है और ये छोटा वाला टांग माइनस होता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखना है। देखिए, ये जो हमारा एलईडी ये वाला पॉइंट पर सोल्डरिंग हुआ था ये हमारा एलईडी का माइनस है और ये वाला जो पॉइंट है ये इसका प्लस है।
तो यहाँ पर इस हिसाब से हमें इस एलईडी को लगाना पड़ेगा। देखिए अभी मैंने यहाँ पर एलईडी को अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया हूँ, इस साइड से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पीसीबी बोर्ड में जो कैपेसिटर और एलईडी ख़राब थे इनको हमने चेंज कर लिए हैं। तो चलिए अब हम ये टॉर्च को कुछ देर के लिए चार्ज में लगाते हैं। तो अभी हमें टॉर्च को चार्ज करने के लिए इसको सबसे पहले सॉकेट में लगा लेना है और इसके बाद मैंने स्विच को ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्विच को ऑन कर लिया हूँ, फिर भी हमारा ये जो चार्जिंग का एलईडी है इसको मैंने नया लगाया था अभी, ये हमारा नहीं जल रहा है, ये एलईडी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो लाइन सप्लाई है वो आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं टेस्टर में लाइट जल रहा है, इसका मतलब 220 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, लेकिन हमारा चार्जिंग का एलईडी बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो हमारा बोर्ड में कुछ खराबी होगा। तो चलिए देखते हैं बोर्ड को ऊपर में, तो सारे यहाँ पर सिर्फ 1, 2, 3, 4 चीज़ लगा हुआ है, ये पीएफ लगा हुआ है, कैपेसिटर और एलईडी और ये स्विच, ये दोनों तो अभी हमने नया डाले हैं और ये कैपेसिटर भी सही लग रहा है, इसमें कोई भी खराबी नज़र नहीं आ रहा है। और बाकी इसके नीचे की साइड में काफ़ी सारे SMD रजिस्टर और ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुझे खराबी पता चल चुका है। यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एलईडी के पास में रजिस्टर जा रहा है, ये जो हमारा चार्जिंग का एलईडी है, इसके एक लेग में प्लस वाला लेग में ये एक SMD रजिस्टर जा रहा है और ये SMD रजिस्टर हमारा जल के ख़राब हो चुका है और इसकी वजह से हमारा ये चार्जिंग वाला एलईडी नहीं जल रहा है। तो ये जो यहाँ पर SMD रजिस्टर लगाया जाता है इस एलईडी के लिए, इसका वैल्यू 1 किलो ओम होता है और 1/4 वाट का रजिस्टर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। देखिए ये 1 किलो ओम का 1/4 वाट में रजिस्टर है, इसमें 2 लेग है और कोई भी प्लस माइनस नहीं है। इसका जो दोनों लेग है इसको हमें कुछ इस प्रकार से मोड़ लेना है, मैं यहाँ पर सबसे पहले मोड़ देता हूँ उसके बाद आपको दिखाऊँगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मोड़ लेना है और इसके बाद इसको कहाँ पर सोल्डरिंग करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो रजिस्टर हमारा फ्यूज हुआ है, यहाँ पर ख़राब हुआ है, इसका 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के साथ में ये जो हमारा रजिस्टर है इसका दोनों लेग को सोल्डरिंग करना है। देखिए अभी मैंने रजिस्टर को कुछ इस प्रकार से सोल्डरिंग कर लिया हूँ। तो चलिए अब हम इस टॉर्च को चार्ज में लगाते हैं। यहाँ पर सारे चीज़ें हमारा सही हो चुका है, तो यहाँ पर एक बार देख लेना है हमारा स्विच बंद है या फिर ऑन है। देखिए ये हमारा स्विच बंद है, तो चलिए अब हम इसको चार्ज में लगाते हैं। तो देख सकते हैं अभी मैंने इसको चार्ज में लगाया, यहाँ पर ये जो एलईडी जल रहा है ये आपको ब्लिंकिंग नज़र आ रहा होगा, यानी कि जलता बुझता नज़र आ रहा होगा, ये हमारा एक्चुअल में जलता बुझता नहीं है, यहाँ पर मोबाइल का कैमरा ऐसे इसको दिखा रहा है आपको ब्लिंकिंग नज़र आ रहा है, असल में ये ब्लिंकिंग नहीं करता है, ये हमारा बिल्कुल सही से जलता है। तो यहाँ पर इस बैटरी को ऐसे ही हम 15-20 मिनट के लिए चार्ज में छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसको जला के दिखाएंगे ये लाइट हमारा जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है और हमारा बैटरी में चार्ज रहता है या फिर चार्ज नहीं रहता है। ये बैटरी को चार्ज होते हुए लगभग 20 मिनट हो चुका है, अभी मैंने इसको चार्जिंग से निकाल लेता हूँ और हम यहाँ पर एलईडी को जला के दिखाते हैं ये हमारा कितना टाइम के लिए जलाता है एलईडी को। ये देखिए यहाँ पर थोड़े देर के लिए अच्छे से जला है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एलईडी बिल्कुल धीमा हो चुका है, इसका मतलब ये बैटरी हमारा अच्छे से बैकअप नहीं दे पा रहा है, ये बैटरी हमारा ख़राब हो चुका है, इसके जगह पर हमें एक नया बैटरी को लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बैटरी में जो प्लस माइनस 2 वायर लगा हुआ है इसको हमें सोल्डरिंग आयरन के दौरान हटाना पड़ेगा। देखिए अभी मैंने यहाँ पर एक नया बैटरी ले रहा हूँ, अकारी कंपनी का है और 4 वोल्ट का है, 1 एम्पियर का है, इसमें प्लस माइनस लिखा हुआ होता है इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं। तो रेड कलर का जो वायर है इसको हमें प्लस वाला पॉइंट पर सोल्डरिंग करना है और ये जो ब्लैक कलर का वायर है इसको हमें माइनस वाला पॉइंट पर सोल्डरिंग करना है। तो अभी मैंने स्विच को ऑन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से हमारा एलईडी जल रहा है और पीछे का लाइट को भी ऑन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए पीछे का लाइट भी बहुत ही बढ़िया से जल रहा है। तो चलिए अब मैंने इस टॉर्च को बिल्कुल अच्छे से पैक कर लेता हूँ, अभी मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से फिटिंग कर लिया हूँ आप लोग देख सकते हैं, और इसका लाइट को जला के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आगे का लाइट काफ़ी अच्छा यहाँ पर जल रहा है और पीछे का लाइट जला के दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रोशनी दे रहा है। तो अभी मैंने इसको चार्ज करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये इसका चार्जिंग पिन है और ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड में लगा लेता हूँ और यहाँ पर स्विच को ऑन करता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं हमारा चार्जिंग एलईडी जल रहा है, तो इसका मतलब ये टॉर्च हमारा चार्ज हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप ये टॉर्च को रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।